यूएस के एयर स्पेस का उल्लंघन करने वाले चीन के स्पाई बलून को अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर से AIM-9X साइड विंडर मिसाइल को फायर करके उसे अब उड़ा दिया है। लेकिन आप में से कईयों के मन में कंफ्यूजन जरूर होगी कि एक बलून को उड़ाने के लिए अमेरिका ने अपने इतने महंगे एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल क्यों किया। ये तो कुछ ऐसा कि जैसे यूएस कह रहा हो जलवा है हमारा, पर ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सच्चाई है कि जो बलून है वो ऑपरेट कर रहा था 62,000 फीट की ऊंचाई पर, और F-22 रैप्टर से जो मिसाइल फायर की गई वो की गई थी 58,000 फीट की ऊंचाई से। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ये चाइनीज बलून था तो ये 3 बस के साइज के बराबर था और जिसकी हाइट थी लगभग 120 फीट, और इसको इस तरह से शूट किया गया है ताकि इसका जो सर्विलेंस पेलोड है वो डिस्ट्रॉय ना हो, यानी कि इस बलून को बहुत ही एक्यूरेटली शॉट डाउन करना भी जरूरी था। और यही दो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने चाइनीज बलून को शॉट डाउन करने के लिए अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फाइटर जेट को इस्तेमाल किया। और कमाल की बात यह है कि चीन की तरफ से अमेरिका के इस एक्शन पर एक तरह का विरोध देखने को मिला। इसमें उनका यह कहना है कि एक फाइटर जेट का इस्तेमाल करके एक सिविलियन अनमैन एयरशिप पर हमला करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर तो बस हम यही कहेंगे वाह क्या सीन है।